आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। मौजूदा बजट पिछले बजट की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा बताया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए यह दावा किया कि यह बजट दिल्ली वासियों के लिए फायदे का बजट है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को रोजगार बजट नाम दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया कि दिल्ली में अभी 33% लोगों के पास रोजगार है और दिल्ली सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 45% लोगों को रोजगार देना है। क्या है बजट में खास और बजट पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, इस पर रिपोर्ट देखिए। दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी ने बजट के तौर पर एक तोहफा दिया है। सरकार ने 78,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है, जो 2014-15 के बजट के मुकाबले 2.5 गुना बड़ा है। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के बजट को चमत्कार बताया और केंद्र से भी उसकी तुलना की। 2014-15 में जब हमारा 15 में जब हमने पहला बजट पेश किया था वो लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज जो बजट पेश किया गया 7 साल के बाद ये लगभग 76,000 करोड़ का बजट है। 7 साल में ये बजट 2.5 गुना हो गया। ये किसी आज हमारे देश में अगर हम सारी राज्य सरकारें देखें, केंद्र सरकार देखें, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने बड़े स्केल के ऊपर इतना भारी बजट के अंदर इम्प्रूवमेंट कोई चमत्कार से कम नहीं है। सीएम केजरीवाल ने जहां बजट की सराहना की तो वहीं अपनी सरकार और पार्टी को कट्टर ईमानदार बताया, साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात भी कही। ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है और उस ईमानदारी का नतीजा है कि बजट ने इस किस्म से छलांग ली है। हमने 7 साल के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, रेवेन्यू के अंदर जो लीकेजेस थी, एक्सपेंडिचर में जो लीकेजेस थी वो सब ख़त्म की और उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के लोगों को इतने बड़े बजट का फायदा मिलने वाला है। वही बजट को लोगों को रोजगार और महंगाई समस्या को हल करने वाला बताया। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पर बहुत ब्रॉडली देखूँ तो इन दो समस्याओं का समाधान, रोजगार और महंगाई, इन दो समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। इस बजट के जरिए केजरीवाल सरकार का मेन फोकस अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां देना है। बतौर वित्त मंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह 8वां बजट पेश किया। सिसोदिया ने बताया कि केजरीवाल सरकार पिछले 7 बजटों के जरिए पिछले 7 साल में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे चुकी है, जिनमें से 51,307 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिल्ली में निजी क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों के साथ दिल्ली में स्कूल, स्वास्थ्य, बिजली, मेट्रो विस्तार जैसी तमाम मूलभूत सुविधाएं दिल्ली वासियों को देने का काम किया है। सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि जैसे क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है, जिसमें रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए शॉपिंग फेस्टिवल को शुरू करना, दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाना जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं। वही दिल्ली सरकार के बजट पर विपक्ष ने जमकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के विधायक अजय महावर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बजट में न तो किसानों को कोई राहत दी, न ही बुजुर्गों के लिए कोई प्रावधान किया और न ही दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए देने का जिक्र किया। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के बजट में दिव्यांगों के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार जहां एक तरफ बजट को चमत्कारी रोजगार बजट बता रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के बजट पर कई सवाल खड़े कर रहा है। टीम
खबर पर। जी हां, तो आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया। विपक्ष ने बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम सवालों पर डालते हैं। बजट हुआ पास, क्या रहा खास? कितना खास है यह बजट? जो दावे दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए, बजट से क्या सस्ता क्या महंगा? आम आदमी को कितनी राहत मिलने वाली है? बजट में किन किन बातों पर रहा है आम आदमी पार्टी का फोकस, यानी दिल्ली सरकार का फोकस? रोजगार, बजट से कितना मिलेगा रोजगार, ये एक अहम सवाल। साथ ही आम जनता को बजट से कितनी राहत मिलने वाली है, सवाल आपका। में हमने फोन नंबर्स ओपन किए, नंबर पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीधे अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल कुछ है तो वो पूछ सकते हैं। और दिल्ली सरकार के इस बजट को किस तरह से आप देखते हैं? आम आदमी पार्टी ने जो बजट पेश किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से इस बजट को पेश किया है, वो कितना अहम है और आप उस पर क्या राय रखते हैं? चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ कुछ मेहमान शामिल हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। आकाश वर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आकर समय देने के लिए। मेरा सवाल सबसे पहले शुभेंदु शेखर जी आपसे ही है, आम आदमी पार्टी ने जो बजट पेश किया है, विपक्ष के तौर पर आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत नकारात्मक बजट है और पब्लिक को घुमाने वाला बजट है। रोजगार बजट का नाम दिया गया, 7 सालों में 421 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। अपने बजट फॉर्सन में कहते हैं 1,76,000 लोगों को जॉब दिया। 1,76,000 लोगों में ये उनको जोड़ रहे हैं, वो जो ग्रेजुएट हैं दिल्ली के, जिनको पूरे साल में 4 महीने 6 महीने जब वॉलंटियर की तरह पैसा यूज किया जाता है, दिया जाता है 700 रुपये दिहाड़ी के रूप में दिया जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उसको भी ये जोड़ रहे हैं। ये उन गेस्ट टीचर्स को जोड़ रहे हैं जिन्होंने जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा जाता है उसको ये जोड़ रहे हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। रोजगार का जो इनके फिगर के हिसाब से इस तरीके से भी इन्होंने पिछले 7 सालों में 1,76,000 जिसमें वॉलेंटियर्स, सिविल डिफेंस के लोग, गेस्ट टीचर्स और परमानेंट जॉब केवल 421 लोगों को दिया है। इनका आरटीआई का रिपोर्ट है हमारे पास और हमसे कह रहे हैं इस पूरे बजट को दिखाने के लिए कि अगले 5 सालों में 7 सालों में हम दिल्ली में 20 लाख लोगों को जॉब देंगे। किस डिपार्टमेंट में देंगे नहीं मालूम, कहां पे प्रोविजन बनाएंगे नहीं मालूम, कहां फैक्ट्री लगाएंगे नहीं मालूम, प्राइवेट के जो लोग जॉब देते हैं उससे इनको क्या लेना देना है कुछ भी नहीं मालूम, खाली चैनल पर बैठना और लोगों को बैकअप बनाना। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं, 3,300 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन लिया है इन्होंने पावर को सब्सिडी देने के लिए। उसमें पहले जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो 300 करोड़ का प्रोविजन था, उसमें यही केजरीवाल कहता थे कि भैया हमारे इसमें बहुत बेमानी होती है, इसको हम कम करेंगे। उसको 11 गुना आज करके 3,300 करोड़ रुपए में खाली बजट का प्रावधान किया है पावर सेगमेंट के अंदर। और दूसरा डीटीसी के अंदर 850 करोड़ का सब्सिडी होता था, अभी 1,800 करोड़ का है। और तीसरी चीज, जल बोर्ड जो 1,500 करोड़ के प्रॉफिट में रहता था वो 56,000 करोड़ के लॉस में कर दिया। ये पूरा दिल्ली का दिल्ली स्लम बनाने को तैयार कर दिया इस व्यक्ति ने। हमें इस व्यक्ति की इस तरीके की पॉलिसीज को जो फ्री 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 करके, क्यों? क्योंकि एक स्कूल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक स्टेडियम नहीं बनाया। और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में जो खोली सौरभ जी, उसमें स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जिसका वाइस चांसलर रखा है इन्होंने, उसमें जगह नहीं है, अभी तक जमीन अलॉट नहीं किया है। तो ऐसे लोग दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ये बजट लाते हैं, केवल और केवल प्रचार करते हैं। ठीक है शुभेंदु जी, मैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आकाश जी भी हमारे साथ है, आपने जो तमाम आरोप लगाए हैं उनका जवाब भी आकाश जी से ले लूंगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से हैं, करीम खान साहब। उनका क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कॉलर्स रेगुलर हैं इस कार्यक्रम में, आते हैं अपनी राय अपने विचार रखते हैं अलग अलग टॉपिक पर। करीम खान साहब स्वागत है, अपना सवाल करें। जोहरी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि आप पार्टी ने अपना बजट दिल्ली में पेश कर दिया, उन्होंने सच कहा झूठ कहा? 1,40,000 लोगों को नौकरियां दी उन्होंने, वो दे या नहीं दे, लेकिन मैं कहता हूँ केंद्र सरकार जो बैठी हुई है जी, वो कम से कम नौकरी देने की पहल करे। जहाँ गाँव देहातों में डॉक्टर नहीं है,
जो हॉस्पिटल है उसमें नर्से नहीं है, ये उन खाली पदों को भरते क्यों नहीं? सवाल ये उठ रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर में देखें, लोग 3,000, 6,000, 8,000 में नौकरी देख कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान दें, उनको समथिंग कम से कम गवर्नमेंट सर्वेंट के समकक्ष में तनख्वाह दें या उससे कम दें, लेकिन 3,000, 5,000 रुपए में घर तो नहीं चलता। और रही बात ये जो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ना चाहिए। और ये गरीबों को जो दे रहे हैं, एक हाथ से ले ले रहे हैं तो दो हाथ से छुड़ा ले रहे हैं। चले ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय अपनी विचार रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए हैं, और अगर बजट की बात की जाए तो बजट पर भी लोग अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया रख रहे हैं। आप भी रख सकते हैं, फोन नंबर हमने लगातार ओपन किए हुए हैं टेलीविजन सेट्स पर, आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और दिल्ली सरकार के इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय रख सकते हैं। आकाश जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं शुभेंदु जी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेकार बजट है, जनता को एक तरीके से गुमराह करने का बजट है, जबकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली में मेट्रो, फ्री बिजली, फ्री पानी और विकास के तमाम कार्य भारत हम लिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को समझ नहीं आ रहा बजट आखिर क्यों? जी मैं कहना चाहूंगा कि हाँ इस वक्त आएगा भी नहीं, थोड़ा मुश्किल है। बीजेपी के सभी लोगों का ध्यान थोड़ा आजकल पिक्चर में ज्यादा लगा हुआ है, सिनेमा किस तरह से टैक्स फ्री और पिक्चर, कौन सी नई पिक्चर आ रही है, क्या देखनी चाहिए, उनमें ज्यादा ध्यान है, तो शायद हो सकता है बजट समझने में मुश्किल हो। एनीवेज मैं आपको आपसे दो मिनट चाहूंगा सर, मैं आपको टोक नहीं आता सुपेंद्र सर, आप पिक्चरों पे आ रहे हो, आप पिक्चरों पे आ रहे हो, आप हम टोकेंगे नहीं क्या? आप बजट पे बोलिए ना, जवाब देने को तैयार हूँ। मैं कर रहा हूँ। अरे आपका सवाल जैसा सवाल वैसा जवाब सर, सुनिए मैं बता रहा हूँ। पिक्चरों पे आप मत आइए, जवाब आपकी जनता देगी, उसके हंसने का जवाब जनता देगी। आपने उसका जनता देगी, हमको जवाब नहीं देना है आज बजट पे। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने जब शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, 26,000 करोड़ का बजट था, आज वही बजट 75,000 करोड़ का बन चुका है, तो अपने आप में एक अद्भुत चीज है, चमत्कार है। इसके लिए पूरी जनता की, दिल्ली की जो जनता है वो बधाई की पात्र है। आप बात कर रहे थे रोजगार पर, रोजगार दिल्ली सरकार ने लगभग पिछले 7 सालों में लगभग 12 लाख के तहत रोजगार दिए थे, जिसमें से 1.5 लाख कुछ सरकारी थे और 10 लाख जो है वो हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं। उसमें अभी सुमेंद्र जी ने बोला कि इन्होंने इनको भी गिना उनको भी गिनाया, तो इनको मैं पूरा यकीन दिला दूं कि पकौड़ा तल्ले को हमने इसमें रोजगार नहीं गिना है, ये बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। जनता ने सजेशन दिया, फिर हमने जनता के, हम लोग बीच में गए, आपको याद होगा एक नंबर भी जारी किया था और जनता से जिसमें पूछा था कि भाई कोई भी अगर सुझाव देना चाहे तो दीजिएगा, लेकिन क्योंकि ये केंद्र सरकार, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो ये बेरोजगारी का आलम खड़ा किया पूरे देश के अंदर, आप देखिए सबसे ज्यादा जो सजेशन है, सबसे ज्यादा जो सुझाव आए वो रोजगार को लेके आए, मतलब देश के युवाओं ने कहा कि हम बिल्कुल त्रस्त है और रोजगार की पूरे देश में बहुत बुरी हालत है, इसलिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि इस बार रोजगार को प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसके लिए कई सारी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। आप कहेंगे कि कैसे नौकरी देंगे, तो उसके लिए जैसे रियल स्टेट का स्टेट है, ठीक है, ठीक है। आकाश जी मैं आपके पास आऊंगा और भी सवाल करूंगा, इस बीच एक यहाँ पर थोड़ा सा क्षमा के साथ रोकना चाह रहा हूँ, आपका एक कॉलर हमारे साथ है, रजिया राम जी जुड़ गए हैं अंबाला से, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के इस बजट पर और क्या कुछ राय रखते हैं, उनका उनकी राय ले लेते हैं। रजिया राम जी स्वागत है, अपना सवाल करें। जी नमस्कार जी, देखिये मैंने जो आज तक सुना है किसी भी सरकार के बजट की विपक्ष ने प्रशंसा नहीं की, इसी तरह से मैं एक हरियाणा राज्य से हूँ, ये अवस्थी साहब कहाँ से हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे बजट से भी भूपेंद्र हुड्डा ने यही कहा कि ये बजट माइनस जीरो है, और सरकार बोल रही है कि ये कर्ज का बजट नहीं फर्ज का बजट है, किस चीज का फर्ज है जिसका 300 करोड़ रुपए का लोन है? अवस्थी साहब आप जवाब दें, और ये बताओ ये जो 80% की हिट रोज मार रहे हैं ये कौन से बजट का हिस्सा है? 80 करोड़ लोगों को मुक्ति करा रहे कौन से बजट का हिस्सा है? ये सारे जवाब देने हैं आपने, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय अपने विचार रखने के लिए। तो दर्शकों की अलग अलग राय है, अलग अलग विचार है बजट पर, सवाल भी कई तरीके के जो रूलिंग पार्टी है उससे भी लगाए जाते हैं।
आकाश जी, सवाल यही है कि बीजेपी की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किसानों को कोई इस बजट में राहत नहीं दी। आम आदमी पार्टी किसानों की बड़ी हितैषी बन रही थी किसान आंदोलन के दौरान, और बुजुर्गों को कोई प्रावधान नहीं किया, महिलाओं के लिए कोई जिक्र नहीं है इस बजट में। जी, मैं तीनों सवालों का जवाब दे देता हूँ, बस मुझे एक मिनट देगा, बहुत जल्दी से, और आशा करता हूँ मुझे टोका नहीं जाएगा। जी देखिए, इन्होंने किसानों की बात करी, तो ऑलरेडी दिल्ली सरकार ने 7 साल में किसानों के लिए बहुत किया है। मैं इनको बता दूं, इनको अपने आंकड़े चेक कर लेंगे, दिल्ली सरकार पूरे देश में किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा देती है, ये चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने बुजुर्गों की बात की, दिल्ली के बुजुर्ग बहुत खुश है, दिल्ली के बुजुर्गों को हर महीने सबसे ज्यादा पेंशन दी जाती है और सबके खातों में जा रही है वृद्धा पेंशन के उसके। और दूसरा, जो दिल्ली के 50 लाख बुजुर्गों को केजरीवाल सरकार यात्रा करा चुकी है, तो दिल्ली के बुजुर्गों की आप चिंता मत कीजिए, जो उनके घर के बच्चे नहीं कर पा रहे थे वो अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए करके दिखाया। दूसरा, आपने कहा महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं को पहले से ही यात्रा दी जा रही है। अगर आप उसका आप केवल मात्र 1000 रुपए की बात कर रहे हैं सर, आप एक महिला के बस का किराया पूरे महीने का जोड़िएगा जो नौकरी करती है, तब आपको पता लग जाएगा 1000 से कितना ज्यादा है। तो ये सब केवल कहने की बात है, जैसा कि अभी एक कॉलर ने कहा, बहुत समझदारी की बात की, कि जो विपक्ष है इनका तो केवल काम है, ये तो देख ही नहीं, ये इनसे ये पूछ लिए, ये मानते हैं कि नहीं मानते कि 26,000 करोड़ से 75,000 करोड़ में बजट आ गया है। आप बता दीजिए, आपकी कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने 7 सालों में इतना बड़ा अचीवमेंट करके, इतना बड़ा चेंज करके दिखावा, मुझे एक राज्य सरकार का नाम ले दीजिए, और अभी की नहीं, अपना इतिहास उठा लीजिएगा भाजपा का, उसमें बता दीजिए कि 7 साल के अंदर 26,000 करोड़ से 75,000 करोड़ का बजट लिया। जी से जवाब लेते हैं, बताइए, मैं मान जाऊंगा कि बजट खराब है। शुभेंदु जी से जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी, ये लोग मजाक कर रहे हैं, और आकाश वर्मा जी को लगता है बजट समझ में नहीं आता, बजट की क्वांटिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। आपने पूरा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में 7 सालों में आपने तो कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, 5 भी पूरे स्कूल नहीं बना पाए, और यहाँ मजाक कर रहे हो। सुनिए, मेरी बात समझ लीजिए, पहले आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप बिल्कुल जवाब देते रहिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, उसको बोल देंगे नहीं हुआ ऐसा नहीं होता ना। 500 स्कूल बनाने थे, 5 स्कूल नहीं बना पाए, 5,000 बसें लानी थी, 5 बसें डीटीसी में नहीं ला पाए, डीटीसी की बात कर रहा हूं मैं। तीसरी चीज, जल बोर्ड को आपने 1,500 से लेकर 56,000 करोड़ के लॉस पे ले आए। चौथा चीज जो मैं आपको बता देता हूं, एक कॉलेज बना देते, एक बड़ा फ्लाई ओवर बना देते, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड बना देते, आपने तो कुछ तो करते। आपने क्या किया, वाईफाई फ्री, कौन वाईफाई यूज कर रहा है आज यहाँ पे, कनॉट प्लेस में खाली लगता है, वो भी चलता नहीं है 5 मिनट के बाद, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। स्कूलों के अंदर वही स्कूल खाली रंगरोगन करा दिया गया, और कहते हैं कि हमने नया स्कूल, देखिए स्मार्ट स्कूल बना दिया, उस स्कूल के अंदर वही टीचर, 70% टीचर नहीं है। जो सरकार 7 साल में एक नया राशन कार्ड बना नहीं सकती, आप, मैं इस चैनल के माध्यम से पूछता हूं आकाश वर्मा जी से, इस 7 साल में एक भी नया राशन कार्ड बनाया क्या आपने? यहां पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, महिलाओं की जो पेंशन है बूढ़ों की, उसको आपने आते ही एमसीडी में बंद कर दी, कौन इसका एग्जांपल है? और राशन कार्ड के नाम पर आपके जो विधायक है वो महिलाओं के साथ रेप भी में भी पकड़े गए हैं। इसलिए आप कम से कम एक राशन कार्ड बनाया हो 7 साल में तो हम आपकी बात कर लें। और वहां तक बात करते हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाते हो, वाइस चांसलर रखते हो 1.5 लाख रुपए का, और एक भी जगह जमीन नहीं है। लास्ट शुभेंदु जी, केजरीवाल जी के घर पर विकास हुआ है, 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना है घर पे, और आप यहाँ चैनल के ऊपर, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कल से चैनल पे नहीं आऊंगा। और उनके ऑफिस का रेनोवेशन 35 करोड़ का, जो आपने एक साल के अंदर 20 करोड़ रुपए घर का रेनोवेशन स्विमिंग पूल बनाता है आरओ वाटर का, और 35 करोड़ रुपए का ऑफिस का रेनोवेशन करता है, वो आम आदमी है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है केजरीवाल के। ठीक है शुभेंदु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि केंद्र सरकार भी इतने 7 से 8 सालों में इतना भारी जो हाइक है वो नहीं ला पाई, जो हमने इस बजट के जरिए जनता के बीच में लाने की कोशिश की है। आवाज आ रही है आपको शुभेंदु जी? शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आकाश जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं बजट पर, कई हेड्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और बजट में आम आदमी पार्टी जहां विकास के दावे कर रही है, जो रोजगार देने की बात की जा रही है, रोजगार के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ प्लानिंग की होगी रोजगार को लेकर, किस किस हेड्स में बांटे जाएंगे, क्या कुछ है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप पे आ रहा हूँ। देखिए,
ये तो आरोप ये तो लगाते रहेंगे। अब ये स्कूल और हेल्थ की बात कर रहे हैं, दिल्ली और दिल्ली का हेल्थ केयर और स्कूल मॉडल तो विश्व भर में मशहूर है, तो उसपे तो मुझे नहीं लगता कि सफाई देने की भी जरूरत है। आपने बात की रोजगार किस तरह से देगी, तो देखिए आज जैसे आपने मुख्यमंत्री को भी सुना होगा, मुख्यमंत्री को भी सुना होगा, 8 सेक्टर्स ऐसे मोटे मोटे आइडेंटिफाई करे हैं, जैसे कि फूड एंड बेवरेज का है, रियल एस्टेट का है, लॉजिस्टिक का है, एंटरटेनमेंट का है, कंस्ट्रक्शन का है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, ग्रीन एनर्जी का है, जिसमें नए रोजगार किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल एक लागू किया जाएगा, इसमें दुनिया भर के इसमें बाकी राज्यों से भी लोग आ सकते हैं, आएंगे, टूरिस्ट बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा और दिल्ली की उसमें सेल होगी। दिल्ली होलसेल शॉपिंग मॉल का एक आइडिया है इसमें, दिल्ली का एक पोर्टल बाजार दिल्ली में तैयार होने जा रहा है, जिसपे जैसे एक अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह होता है, जिसपे दिल्ली का हर व्यापारी उसपे आके अपना सामान बेच सकता है, इससे रोजगार मिलेगा। गांधीनगर की जो मार्केट है उसको डेवलप करेंगे। एक स्टार्टअप जैसा कि आपने अभी सुना होगा, एक बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया था दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ, अभी हाल ही में वो हुआ था, जिसमें लगभग 3 लाख बच्चे ऑलरेडी उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो दिल्ली एक स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है आज के वक्त में देश का, उससे बहुत ज्यादा लाभ होना है। फ्रूट ट्रक्स की एक फैसिलिटी शुरू की जा रही है और लगभग 4200 ई रिक्शा नए परमिट दिए जाएंगे, 5000 ई ऑटोस को परमिट दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप मोटा मोटा मान के चलिए 5 साल का टास्क है, तो अगर हर साल 4 लाख नौकरियां पैदा करनी है तो मुझे लगता है इन सभी माध्यमों से बहुत आसानी से ये हो जाएगा। और जनता से सुजेशन लेते रहेंगे, विपक्ष से सुजेशन लेते रहेंगे, जब जब सुधर के साथ बैठेंगे तब तक उनका उनके भी सुजेशन लेंगे और जरूर आम आदमी पार्टी ने अब तक हर वादा पूरा किया है, इस वादे को भी पूरा करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य में क्रांति लाए हैं, उसी तरह से रोजगार में भी क्रांति लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी, क्योंकि देखिए रोजगार से तो पूरा देश आज परेशान है। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है शुभेंदु जी, ये वादा भी हर वादे की तरह पूरा साथ। मेरा तो प्रश्न यही है, शुभेंदु जी, 725 लोगों की जॉब कैसे लगी, बस इनका खुद आरटीआई का रिपोर्ट है, सरकारी नौकरी परमानेंट नौकरी की बात कर रहा हूँ, 7 सालों में 421 लोगों की 10 लाख एप्लीकेशन तो रोजगार बाजार में, 7 सालों में क्या किया आपने, दिल्ली सरकार ने रोजगार पोर्टल लॉन्च किया था, रोजगार बाजार 10 लाख तो 5 सालों में कर पाओगे, आरटीआई वगैरह लगा के अपना वक्त खराब करे, सीधी सीधी चीज है सर, इतना मुश्किल क्यों बनाते हैं उसको, और मैंने बता दिया आपको, पकौड़ा तल्ले को रोजगार नहीं बताया था, ये निश्चित तल्ले को नहीं कह रहे, विज्ञापन देते हो ना, विज्ञापन देते हो उसी की पॉलिटिक्स हो रही है खाली, एक स्कूल क्यों नहीं बना पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों नहीं पैसा खर्च किया, अभी पानी की कमी है, अभी पानी की कमी है, आपने कहा था एक साल में पानी दे देंगे, आपने कहा था यही 7 साल पहले कहा था आपने कि सब घर में 1 साल में पानी देंगे, आज 7 साल तक पानी नहीं दे पाए और झूठ बोल रहे हो कि हम नौकरी दे देंगे 20 लाख, पब्लिक को जूतिया बनाते हो, बैकू बना रहे आप, पब्लिक आपसे नाराज होकर बैठी हुई है और आप यहां कह रहे हैं कि नाटकबाजी, आपने पानी देने को कहा था क्यों नहीं पानी आया 7 सालों में, ठीक है वर्मा जी बताइए ना क्यों पानी नहीं आया। अरे सर घर के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ आपका तो काम ही आपका तो काम शुभेंदु जी बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यानी कि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि हमारी ईमानदार और कट्टर सरकार है। लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, ईमानदार कट्टर सरकार कहना बीजेपी क्या ईमानदार नहीं है, किस तरह से देखते हैं, और आपत्ति तो आपने बताई है तमाम चीजों पर आपको आपत्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदेमंद तो है जनता के लिए बजट, नहीं लगता आपको फायदेमंद है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं लगता, ये केवल झूठ बोलने वाला व्यक्ति है केजरीवाल जी, उनकी पार्टी अभी 4 जगह सरकारें आई, इनके 99% लोगों की जमानत जब्त हो गई और हमने करके दिखाया, हमने एक यूपी को उत्तम प्रदेश बना के दिखाया है, ये दिल्ली ऐसी जगह पर जहां पे इनके खर्चे बहुत कम है उसको भी नहीं कर पा रहे। मैं तो ये कहूंगा खाली ये कहने से कि मैं ईमानदार हूं, आज एक रजिस्ट्री कराने जाइए सौरभ जी, और उस रजिस्ट्री को कराने के लिए, आपकी अपनी घर के रजिस्ट्री कराने के लिए, यदि रजिस्ट्रार ऑफिस SDM पैसा ना ले आपसे 10,000 20,000 25,000 जो इनके नाक के
नीचे हो रहा है। वॉलंटियर को, एक वॉलंटियर को, एक वॉलंटियर को उनकी जो लाइन थी, जो हेल्प लाइन थी, जो हेल्प लाइन थी वो कहां चली गई? चलती नहीं है। एक भी अमित शाह जी सो रहे हैं पर एक भी मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहा था। खाली इनके कार्यकर्ताओं को, खाली इनके कार्यकर्ताओं को एक एक लाख रुपए का किराया देना है, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। इसलिए कितने ईमानदार है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आकाश जी आपका भी, शुभेंदु जी आपका भी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, खबरफास्ट पर आकर समय देने के लिए। आम आदमी पार्टी ने वित्तीय बजट पास कर दिया है और रोजगार बजट है, इसको रोजगार बजट नाम दिया। अगले 5 सालों में तकरीबन 20 लाख नए रोजगार सृजन का दावा किया है। तमाम हेड्स के अंतर्गत इस बजट को पास किया गया। विपक्ष ने कई सवाल बजट को लेकर खड़े किए। आम आदमी पार्टी सरकार दावा कर रही है कि वो स्वच्छ शासन दे रही है, ईमानदार सरकार है, बजट जनता के हित में है, दिल्ली वासियों को इस बजट से फायदा होगा। अब देखना होगा कि बजट तो पारित हो गया, आम लोगों को जमीनी स्तर पर इस बजट का कितना फायदा मिल पाता है। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका मिलता है। नमस्कार।